संकट के इस कोरोना काल में जिला प्रशासन द्वारा जिला वासियों के लिए सोलन के ठोड्डो मैदान में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोरोना के संकट में जब व्यक्ति अपने को दुखी अकेला महसूस करता है और उसे सहायता की आवश्यकता होती है तो इस कंट्रोल रूम से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। दिन रात यहाँ कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि किसी भी समय जिलावासी 1077 और 221234 नंबरों पर संपर्क साधकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब यहाँ कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति संपर्क साधता है तो उसका आवश्यक मार्गदर्शन किया जाता है और उन्हें चिकित्सक की सलाह भी दी जाती है। अधिक जानकारी देते हुए कंट्रोल रूम में सेवाएं दे रहे कर्मियों ने बताया कि वह 24 घंटे 3 शिफ्टों में जिला वासियों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग अपने आप ही घरों में रहकर घरेलू नुस्खे उपयोग में ला रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि जब जिला वासी उनसे संपर्क साधते हैं तो वह सभी को मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों का प्रतिदिन कुशल क्षेम भी जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर रोगी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें भी शांत करने का प्रयास किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट से डेली क्या मतलब पर वीक एक होम आइसोलेशन की लिस्ट आती है, उसके रिगार्डिंग हम उन्हें कॉल करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्हें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे उन्होंने टेस्ट करवाया है और उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें डॉक्टर्स प्रॉपरली फॉलोअप ले रहे हैं उनका, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइडेड है, अगर नहीं है अगर कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स है तो हम उनके कंसर्न डॉक्टर से बात करके और उन्हें नंबर देकर उनसे डील करते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है मिस कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के बीच ना, उन्हें कोरोना के लिए वो खुद ही मतलब डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही अपना इलाज करवाना मतलब खुद ही अपना इलाज करना चाहते हैं जैसे घरेलू नुस्खों से, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब लोग बोलते हैं कि मुझे कफ हो रहा है तो मैंने वो खुद से ही अपनी मतलब कोई दवाई ले लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके साथ कि आप हम उन्हें वही बोलते हैं जो आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है आप वही दवाई लीजिए, सबसे मेन वही कहते हैं उन्हें, वही प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ा है स्ट्रेस लेवल बहुत है, जैसे आप आइसोलेशन पे हो अकेले हो उनको स्ट्रेस हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है। कई तो मतलब काफ़ी रूडली बात कर लेते हैं हमसे, पर फिर भी हम धीरे धीरे उन्हें समझा के थोड़ा उनसे मतलब डेली फॉलोअप करते हैं। 17 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है उनका या आइसोलेशन पीरियड होता है, तो उनमें हम अगर तो मतलब उसका ठीक चला है हेल्थ तो हम उसे मतलब रेंडमली 1-2 दिन छोड़ के कॉल करते हैं, पर अगर किसी को ज़्यादा सिम्टम है माइल्ड सिम्टम है तो हम उसे डेली कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं। सर इसमें 3 शिफ्टों में काम होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक डे होती है, एक नाइट होती है, और हर शिफ्ट में 2-2 बंदे होते हैं। सर कॉल्स ये है हमारे पे 1077 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल्स आती हैं। तो ज़्यादा सर गाइडलाइन के रिगार्डिंग ही ज़्यादा कॉल्स आती हैं, जैसे आजकल वो चला है लॉकडाउन वगैरह हैं, इसके रिगार्डिंग ही ज़्यादा कॉल आती हैं। सर पर शिफ्ट तो हो जाती है 20-25 कॉल, तो मतलब 50-60 कॉल तो आ ही जाता है सर।